Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, assalamu alaikum. Welcome to the English classroom in the Scholar Science College. We are reading the first lesson in your second year book. I am on page number 4. I will start from the same place where we left in the last lecture. So we start. All mankind is from Adam and Eve. Tamam ki tamam mankind. What is mankind? Humanity. Nasle insani. Tamam ki tamam. Jo mankind hai. Insaniyat hai. Human race hai. Ye kis se paida hui? Kahan se iska agaaz hua? From Adam and Eve. Hazrat Adam alayhi islam se. Aur Amma Hawa alayhi islam se. An Arab has no superiority over a non-Arab. एक अरबी को किसी अजमी पर कोई फोकियत हासिल नहीं है. सुपीरियरिटी, सुपीरियरिटी मीन्स सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी, फोकियत, बर्थरी, सुप्रीमेसी, सुपीरियरिटी, सुप्रीमेसी, डोमिनेंस, एडवांटेज. किसी अरब को किसी नॉन अरब पर कोई फोकियत नहीं है. किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फोकियत नहीं है. नॉर अ नॉन अरब हैज एनी सुपीरियरिटी ओवर एन अरब. और ना ही किसी अजमी को किसी अरबी पे फोकियत हासिल है. ऑल्सो अ वाइट हैज नो सुपीरियरिटी ओवर अ ब्लैक. नॉर डज अ ब्लैक हैव एनी सुपीरियरिटी ओवर अ वाइट एक्सेप्ट बाय पाइटी एंड गुड एक्शन. किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर भी कोई फोकियत हासिल नहीं है, कोई बर्तरी हासिल नहीं है, कोई एडवांटेज नहीं है, कोई सुप्रीमेसी नहीं है. सिवाय किन चीज़ों के? सिवाय पाइटी. पाइटी मीन्स वर्च्यू, नेकी, गुडनेस एंड गुड एक्शंस. अच्छे अमाल हैं जिनसे आपको किसी पे फोकियत हासिल हो सकती है. इसके अलावा किसी को किसी पे कोई फोकियत हासिल नहीं हो सकती. कोई और चीज़ जो है वो सबब नहीं बन सकती आपकी फोकियत का, सिवाय तक्वा के, पाइटी, तक्वा. लर्न दैट एवरी मुस्लिम इज अ ब्रदर टू एवरी अदर मुस्लिम. जान लो कि हर मुसलमान हर दूसरे मुसलमान का भाई है. And that the Muslims constitute one brotherhood. और ये कि मुसलमान जो हैं constitute means compose, बनाते हैं, make, मुकम्मल करते हैं, तश्कील देते हैं एक भाईचारे को. मुसलमान जो हैं वो एक भाईचारे को तश्कील देते हैं, one brotherhood. Nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslim. Nothing shall be legitimate. What is legitimate? Lawful, jaiz, legal, authorized. किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कोई ऐसी चीज जो कि उसकी नहीं है, उसके मुसलमान भाई की है. Legitimate means lawful. Nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslim unless it was given freely and willingly. हाँ, तब ये चीज उसकी हो सकती है जब उस मुसलमान ने, उस मुसलमान भाई ने उसको ये चीज फ्रीली दी हो, अपनी रजामंदी से दी हो. फ्रीली, अनफोर्स्ड, हैप्पीली, अपनी रजामंदी से, अपनी मर्जी से. तो सिवाय इसके कि जब वो चीज़ अपनी मर्जी से देगा, फ्रीली एंड विलिंगली. विलिंगली, वॉलेंटेरिली. विलिंगली मीन्स वॉलेंटेरिली. ये भी इसका भी सेम बेटा तकरीबन मतलब है जो हम फ्रीली का ले रहे हैं. विलिंगली, वॉलेंटेरिली, विदाउट विदाउट विद ऑन विल, किसी की अपनी मर्जी के साथ. तो हमने किसी की चीज़ नहीं लेनी जब तक कि वो शख्स वो चीज़ हमें खुद नहीं देता. Do not therefore do injustice to yourselves. लिहाजा अपने साथ ना इंसाफी ना करो.
ये नाइंसाफ़ी है बेटा, ये जुल्म है कि हम किसी की चीज़ को खुद से ले लें, क्योंकि हमें इसका हिसाब देना होगा, और वो हिसाब जो अल्लाह का हिसाब होगा वो बहुत कड़ा हिसाब होगा। लिहाजा हम अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे होते हैं जब हम इस तरह का काम कर रहे होते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इन चीज़ों से खबरदार कर रहे हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रिमेंबर वन डे यू विल अपीयर बिफोर अल्लाह, याद रखो एक दिन तुमने हाजिर होना है अल्लाह के आगे, एंड आंसर योर डीड्स, और जवाब देना है किसका, अपने डीड्स का, अपने अमाल का, अपने एक्शंस का, डीड्स एक्शंस एकम्प्लिशमेंट्स, तो तुम्हें अपने अमाल का जवाबदेह होना पड़ेगा अल्लाह के आगे। सो बीवेयर मीन्स कॉशियस अलर्ट, बाखबर हो जाओ, खबरदार हो जाओ। डू नॉट स्ट्रे फ्रॉम द पाथ ऑफ राइचियसनेस आफ्टर आई एम गॉन। डू नॉट स्ट्रे, स्ट्रे मीन्स मूव अवे, भटक जाना, एड्रिफ्ट, भटकना नहीं है तुमने कौन से रास्ते से, राइचियसनेस, कौन सा रास्ता बेटा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि हमें राइचियसनेस जो है, गुडनेस जो है, वर्च्यू जो है, नेकी जो है, उसके रास्ते से नहीं हटना। राइचियसनेस इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, जिसका मीनिंग है गुडनेस, वर्च्यू, नेकी। रिमेंबर One day you will appear before Allah and answer your deeds. So beware, do not stray from the path of righteousness after I am gone. जब मैं चला जाऊं तो तुमने नेकी के रास्ते से हटना नहीं है। O people, no prophet or apostle shall come after me and no new faith shall be born. No prophet or apostle, कोई पैगंबर या नबी नहीं आएगा। अपासल बेटा, अपासल का वैसे जो लफ्जी मीनिंग होता है वो एक्सपोनेंट है, प्रोपोनेंट है, प्रोमोटर है, प्रीचर है, और प्रॉफिट, प्रॉफिट इज समवन सेंट फ्रॉम अल्लाह हु ब्रिंग्स अल्लाह मैसेज। तो यहां पे प्रॉफिट और अपासल पैगंबर और नबी के मानों में यूज हो रहे हैं। नो प्रॉफिट और अपासल शैल कम आफ्टर मी एंड नो न्यू फेथ शैल बी बोर्न, कोई नया बिलीफ, कोई नया ईमान, कोई नया मजहब मेरे बाद नहीं आएगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत का खात्मा हो गया। ये चीज़ जो है, ये जो लाइनें हैं, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने के बारे में बता रही हैं। रीजन वेल देयरफॉर ओ पीपल एंड अंडरस्टैंड, रीजन वेल, थिंक वेल देयरफॉर ओ पीपल एंड अंडरस्टैंड words which I convey to you, which I am giving to you, which I am granting to you, which I am carrying to you. I have behind me two things. अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि वो लेगेसी में हमारे लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। दो चीजें, कौन सी दो चीजें? हम बेटा जब मेन पॉइंट्स पढ़ रहे थे तो हमने ये सारे पॉइंट शुरू में लिखे हुए थे, उसमें एक ये भी था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो चीज़ें हमारे लिए छोड़ के जा रहे हैं। कौन कौन सी? कुरान, कुरान एंड सुन्ना, कुरान और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। एंड इफ़ यू फॉलो दीज टू यू विल नेवर गो एस्ट्रे, तो तुम गुमराह नहीं होगे। एस्ट्रे, एस्ट्रे मीन्स ऑफ ट्रैक, रस्ते से हट जाना, एड्रिफ्ट, मूव अवे, तो तुम रास्ते से हटोगे नहीं अगर तुम इन दो चीजों पे अमल करोगे। कौन सी दो चीजें? कुरान और सुन्नत। ऑल दोज हु लिसन टू मी शैल पास ऑन माय वर्ड्स टू अदर्स, जो कोई लोग अभी यहां पे मौजूद हैं और मेरी बातों को सुन रहे हैं, वो क्या करें? वो मेरी बातों को पहुंचाएं उन लोगों तक। दोज टू अदर्स अगेन एंड मे द लास्ट वंस अंडरस्टैंड माई वर्ड्स बेटर देन दोज हु लिसन टू मी डायरेक्टली। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमे में जो शरीक लोग हैं उनसे कह रहे हैं कि जो लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं, मेरी बातें उन लोगों तक पहुँचाएं जो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। और फिर वो दुआ भी फरमा रहे हैं कि अल्लाह करे
उन लोगों को मेरी बातें ज्यादा समझ में आ जाए इन लोगों के मुकाबले में जो कि यहां पर मौजूद हैं. बी माई विटनेस, मेरे गवाह बन जाए. विटनेस, ऑब्जर्वर, अटेस्टेंट, जो गवाही देता है. बी माई विटनेस ओ अल्लाह. अल्लाह ताला से फरमा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला को कह रहे हैं कि आप मेरे गवाह बन जाइए. अटेस्टेंट दैट आई हैव कन्वेड योर मैसेज टू योर पीपल, कि मैंने पहुंचा दिया है आपका पैगाम आपके लोगों तक. बेटा यहां पे उनका खुतबा खत्म हो रहा था, आगे फिर एक नोट है, वो नोट भी इसी खुतबे का हिस्सा है, हम उसको भी इसके साथ पढ़ेंगे. उस नोट में हमें बताया जाएगा कि इसी खुतबे के दौरान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो है वो आखिरी वही भी नाजिल हुई थी. एज ए पार्ट ऑफ द सर्मन, इसी खुतबे के एक हिस्से के तौर पे द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम recited to them a revelation from Allah. लोगों को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ से एक आयत सुनाई. recited, uttered, delivered, तलावत फरमाई आयत की. revelation, a direct message from Allah through angels. वही a direct message from Allah through angel. Revelation का वैसे मतलब क्या है? Something that is revealed. वो चीज जो हमारे पे reveal की जाए. यहां मुराद वही है. Revealed. Revelation वही की बात हो रही है यहां पे. Something that is revealed. Revelation बेटा वैसे discovery को भी कहा जाता है. अनाउंसमेंट को भी हम रेवल्यूशन कहते हैं. यहां वही के मानों में यूज किया जा रहा है. रिसाइटेड टू देम अ रेवल्यूशन फ्रॉम अल्लाह विच ही हैड जस्ट रिसीव, जो कि अभी अभी उन पे नाजिल हुई थी वो वही, उन आयात की तलावत फरमाई. एंड विच कंप्लीटेड द कुरान, और ये जो आयात हैं इनसे कुरान पाक मुकम्मल हो गया. फॉर इट वॉज द लास्ट पैसेज टू बी रिवील्ड, पैसेज, टेक्स्ट, वर्ड्स, पोर्शन, ये वो आखिरी पोर्शन था, पैसेज था, आयात थी जो कि रिवील हुई. बेटा हमने शुरू में भी अपने पहले लेक्चर में भी इस खुतबे के हवाले से बात की थी कि इस खुतबे की ये भी इम्पॉर्टेंस है कि इस खुतबे के दौरान कुरान पाक की कंप्लीशन भी हुई थी. अब आगे जो है वो कुरान पाक की वो आयात हैं, सूरह मायदा की तीन आयात जो कि आखिरी आयात हैं जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पे नाजिल की गई थी. तो अभी हम वो आयात पढ़ते हैं. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये आयात लोगों को पढ़ के सुनाई थी. आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, दिस डे, आज के दिन, द डिसबिलीवर्स डिस्पेयर, डिसबिलीवर्स, एथिस्ट, non-believers, non-Muslims, वो लोग जो कि मुसलमान नहीं हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आज के दिन जो non-Muslims हैं वो क्या हैं? Despair, disappointment का शिकार हो गए हैं. Of prevailing against your religion, prevail, prevail means overcome. Prevail, triumph, फतह हासिल करना, succeed, कामयाब होना. तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आज का दिन वो दिन है कि जो नॉन बिलीवर्स हैं वो मायूस हो गए हैं कि वो आप लोगों के दीन के ऊपर, दीन इस्लाम के ऊपर फतह पा सकते हैं. सो फियर देम नॉट, लिहाजा उनसे डरने की अब जरूरत नहीं है. बट फियर मी, लेकिन मुझसे डरो, अल्लाह से, यानी कि ये अल्लाह ने वही नाजिल की है. तो ये वही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की जात फरमा रही है कि आज के दिन जो डिसबिलीवर्स हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, मायूस हो गए हैं,
तुम्हारे से मुराद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिए जा रहे हैं। अल्लाह ताला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कह रहे हैं कि आज के दिन जो गैर मुस्लिम हैं तुम्हारे दीन के ऊपर ऐ मोहम्मद गलबा पाने के बारे में मायूस हो गए हैं, लिहाजा उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है बल्कि मुझसे डरो। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मुझसे डरो। दिस डे आई हैव परफेक्टेड फॉर यू योर रिलीजन। आज मैंने क्या किया है, परफेक्टेड कंप्लीटेड, मैंने मुकम्मल कर दिया है तुम पे तुम्हारा मजहब तुम्हारा दीन। एंड फुलफिल्ड माई फेवर्स अनटू यू, फुलफिल्ड अकम्प्लिश्ड फिनिश्ड कंप्लीटेड और मुकम्मल कर दी हैं माई फेवर्स माई ब्लेसिंग्स, अपनी रहमतें अपनी नेमतें तुम पे मुकम्मल कर दी हैं। अनटू यू, अनटू बेटा ओल्ड इंग्लिश है, आर्केक फॉर्म है, ये पुरानी फॉर्म है जो कि टू के लिए आजकल हम यूज करते हैं, तो ये टू के लिए यहां पे यूज किया गया है। अनटू फुलफिल माय फेवर अनटू यू, मैंने अपनी रहमतें तुम पे मुकम्मल कर दी हैं। एंड इट हैथ बीन माय गुड प्लेयर टू चूज इस्लाम फॉर यू एज योर रिलीजन, और मुझे खुशी है। एंड इट हैथ बीन, हैथ क्या बेटा, हैज और हैव की, ये भी ओल्ड फॉर्म है जो हैज और हैव के लिए यूज की जाती है, हैथ एच ए टी एच हैथ, हैज और हैव के लिए हम यूज करते हैं। एंड इट हैथ बीन माई गुड प्लेयर हैप्पीनेस जॉय प्लेयर टू चूज इस्लाम फॉर यू एज योर रिलीजन, कि मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के तौर पे मुंतखब किया। बेटा ये सूरत मायदा की वो आखिरी आयात हैं जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पर उस खुतबे के दौरान नाजिल हुई थी, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयात फिर तमाम के तमाम मजमे को सुनाई भी। टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज सर्मन, अपने खुतबे के इख्तिताम की तरफ, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम आस्क्ड, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने पूछा, ओ पीपल, ए लोगो, अगेन एक्सक्लेमेशन का यूज किया जा रहा है, लोगों को मुहातब किया जा रहा है, ओ पीपल, ओ इट इज एक्सक्लेमेशन, ओ पीपल, हैव आई फेथफुली अर्नेस्टली फेथफुली अर्नेस्टली संजीदगी के साथ होल हार्टेडली दिल जमी के साथ सही अंदाज में, हैव आई फेथफुली डिलीवर्ड कन्वेड डिलीवर्ड कन्वेड, क्या मैंने सही तरीके से पहुंचाया है, अन टू यू माई मैसेज, तुम लोगों की जानब अपना पैगाम। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से सवाल कर रहे थे अपने खुतबे के आखिर की जानब के, लोगों क्या मैंने सही तरीके से तुम तक अपना पैगाम पहुंचा दिया है। अलाउड मर्मर, मर्मर मीन्स मंबल, एक ऊंची सरगोशी, सरगोशी लेकिन ऊंची आवाज में थोड़ी सी मंबल मर्मर, लो कॉशियस साउंड इज कॉल्ड मर्मर, तो आवाज बुलंद हुई ऑफ एसेंट, एसेंट मीन्स एक्सेप्टेंस, कोई चीज कबूल करना, एक्सेप्टेंस एसेंस अप्रूवल, ऐसे जैसे कि लोगों ने उसको अप्रूव किया और लोगों ने मिलके क्या कहा, प्रॉफिट ऑफ अल्लाह यस, अल्लाह के नबी हाँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया उनसे कि क्या मैंने तुम तक अपना पैगाम सही तरीके से पहुंचाया, सब लोगों ने मिलकर जवाब दिया, अल्लाह के नबी हाँ। एरोज फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स, ये आवाज उन हजारों पिलग्रिम्स, वो जो हाजी थे जो लोग वहां पे जमा थे, उनकी जानब से बुलंद हुई। एंड वाइब्रेंट वर्ड्स, वाइब्रेंट एंथुजियास्टिक, लोग बहुत इंथुजियास्टिक थे उस वक्त, बहुत जोश था, बहुत जज्बा था उनमें, बहुत जज्बे के साथ लोगों ने कहा, अल्लाहुमा नाम, हाँ हाँ, रोल लाइक थंडर थ्रू द वैली, ये जो अल्फाज थे अल्लाहुमा नाम, ये जो अल्फाज थे ये क्या कर रहे थे, ये रोल कर रहे थे, ये स्ट्रीम कर रहे थे, ये फ्लो कर रहे थे, ये जो वर्ड्स थे लाइक थंडर, थंडर की तरह, जो बिजली की गरज होती है उसकी तरह, थंडर लाउड वॉइस को यहां पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, बूम कहते हैं हम, रोड कहते हैं हम थंडर को, तो पूरी वादी में वह आवाज गूंज रही थी, लोग सब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे थे कि हाँ आपने अपना पैगाम जो है वो सही तरीके से हम तक पहुंचा दिया है।
The Holy Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam raised his forefinger. Hazur sallallahu alaihi wasallam ne apni forefinger, apni shahadat ki ungli jo hai, usko buland kiya and said, aur kaha, O Allah, be a witness. Ay Allah, gawah rehna. Be a witness means to ask for testimony. Be a witness, to ask for testimony. Ay Allah, gawah rahiyega that I have conveyed your message to your people. Ke maine aapka paigham sare logon tak pahuncha diya. Bacho, ye hamara pehla lesson tha. मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन ज़रूर समझ आया होगा. मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको ये लेसन समझ आ सके. बेटा, मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमारे क्यूरी सेशंस होते हैं, अगर फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई कमी रह गई हो, किसी जगह से आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो, तो आप क्यूरी सेशन में उसको पूछ सकते हैं. बेटा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. दूसरे चैप्टर के साथ फिर मैं आपके साथ हाज़िर होऊंगा. अल्लाह हाफिज़.